बर्गर तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाला बर्गर बहुत कम ही लोग खाए होंगे, जो कि है पाव भाजी बर्गर। और ये खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगता है ना। चीज तो एक रहता है, लेकिन फ्लेवर जो है दो तीन चीजों का आता है। जैसे लगेगा कि आप पाव भाजी खा रहे हैं और जो है पाव भाजी बर्गर। तो यहाँ पे मैंने ना बर्गर बनाने के लिए कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी काट लिया है, शिमला मिर्च है, एक गाजर है, और यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, और ये भुट्टा है। तो मैंने इसको ना उबाल लिया है, कच्चा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे इसको उबाल लिया है, आप देख सकते हैं, उबाल लिया है मैंने। तो चलिए इसको हम फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है पैन चढ़ा दिया है और तेल भी डाल दिया है। तो तेल हमारा जो है ना अभी गरम हो रहा है, हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है ना, प्याज पहले डाल देना है। तो हमें सारी चीजें सब्जियां है ना ज्यादा भुनना भी नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा जो इसका कच्चापन है ना, फिर उसको हमें निकालना। अब यहाँ पे हमने डाल देना है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और ये भुट्टा। अब इसको हम क्या करेंगे, चला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं ना नमक डाल देती हूँ, ताकि जो सब्जियां हमारी है ना उसे गल जाए पहले ही। तो यहाँ पे आप ध्यान रहे कि नमक एक हिसाब से डालिए, क्योंकि जो हमने इसमें सॉस भी डालना है ना, तो उसमें नमक पहले से पड़ा रहता है, तो हम नमक थोड़ा सा इसमें कम ही डालेंगे। यहाँ पे हमें डालना है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, तो इसी से हमारा जो है ना टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं डार्क जो है ये डाल देती हूँ, चिली सॉस डाल देती हूँ, और इसको हम ना अच्छे से चला लेंगे। और इसे जो है ना बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं इसको। हमने 1 चम्मच शेजवान सॉस ले लिया है, सॉस सॉरी, करेंगे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा बस डालेंगे हल्दी, तो कि मतलब थोड़ा सा कलर जो है ना अलग दिखने लगे। तो आप इसको मतलब डाल भी सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये जो हमारी सब्जी है ना, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे अलग बर्तन में, अलग थाली में। और जो हमारा इसमें मसाला लगा है ना प्लेट में, तो ऐसे हम लगने रख देंगे, क्योंकि हमें पाव को भी सेकना है इसी में। तो हमारा जो मसाला है ना, हम इसी में ये भी सेक देते हैं। तो ज्यादा सेकना नहीं है हमें, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम इसको सेक लेंगे। हमने लिया है पाव और सबको हम ऐसे ही सेक लेंगे। सेकने से क्या है ना, टेस्ट अलग आ जाता है इसका। अब यहाँ पे हमने क्या करना है ना, इसको रख देना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लगाऊंगी मेयोनीज। मेयोनीज मैं इसलिए ज्यादा करके अपनी रेसिपी में यूज करती हूँ ना, क्योंकि दोनों मेरे बच्चों को जो है मेयोनीज बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं कभी काल ना इन लोगों को बेवकूफ भी बना देती हूँ। मैं घर पे ही मेयोनीज बनाती हूँ, लेकिन हेल्दी मेयोनीज बनाती हूँ पनीर से, जो कि ये वो मेयोनीज जो है ना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद रहता है, नुकसान भी नहीं करता है। और यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया है ना, यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं। देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ तो बनाते बनाते ही मेरे मुंह में जो है पानी आ गया है। तो यहाँ पे हम प्याज से जो है इसको डेकोरेशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी पत्ता गोभी से इसको ढक दिया है। वैसे पत्ता गोभी को दुल्हन भी बोलते हैं, तो यह मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो है ना हेल्दी बिल्कुल जो है बर्गर तैयार है। आप अपने बच्चों को घर पे बना के हेल्दी खिला सकते हैं, बाहर की चीजें ना खिलाइए। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमने ऐसे ले लेना है और इसको ऐसे कर देना है, ताकि इससे जो है ना सेफ्टी हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है हेल्दी बर्गर बनके तैयार है, पाव भाजी बर्गर बनके तैयार है। तो
आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।